बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में महाबोधि मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। यह पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में से एक है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बिताया था। बौद्ध शास्त्रों के अनुसार यह वृक्ष उसी समय उत्पन्न हुआ था जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जातक कथाओं के अनुसार पूरी पृथ्वी पर इस स्थान के अलावा और कोई भी स्थान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का भार बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वह स्थान है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से रोकने के प्रयास में मार और उसकी पूरी सेना पराजित हो गई थी। बोधि वृक्ष को कई बार नष्ट किया गया। यह हमेशा उन सभी लोगों के निशाने पर रहा जो भारत में बौद्ध धर्म को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन हर बार नष्ट होने के बाद यह पेड़ उसी जगह फिर से जीवित होता था। वर्तमान वृक्ष मूल पेड़ का पांचवा अवतार है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस पेड़ को पहली बार नष्ट किया गया जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के पहले इसे कटवा दिया था। सम्राट अशोक ने पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए और फिर उस पेड़ को जला दिया। बौद्ध धर्म में अपने धर्मांतरण के बाद उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन आधी जली हुई बोधि वृक्ष की जड़ों से एक नया अंकुर निकल आया और अशोक ने उस अंकुर को सींचा और उसकी पूरी देखभाल की। जल्द ही महाबोधि वृक्ष ने अपने मूल गौरव को फिर से प्राप्त कर लिया। सम्राट अशोक बोधि वृक्ष के पास बहुत ज्यादा समय बिताते थे। उन्होंने 250 ईसा पूर्व में एक बलुआ पत्थर से निर्मित वज्रासन का निर्माण कराया जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के मूल स्थान को चिन्हित करता है। उन्होंने इसे बोधि वृक्ष की जड़ के पास रखवाया और यह वज्रासन हजारों वर्षों से आज भी उसी स्थान पर मौजूद है। अशोक महाबोधि वृक्ष पर जितना ध्यान दे रहे थे उसे उनकी पत्नी तिस्सा रखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक बार जब सम्राट अशोक मगध से बाहर गए हुए थे तिस्सा रखा ने बोधि वृक्ष को नष्ट करवा दिया। बाद में जब अशोक को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी रानी के लिए मृत्युदंड का आदेश दे दिया, लेकिन अशोक के आदेश के पालन के पहले ही रानी ने आत्महत्या कर ली। बोधि वृक्ष फिर से जीवित रहने में सफल रहा क्योंकि नष्ट हुए वृक्ष में फिर से हरे पत्ते निकल आए थे, लेकिन इसे 3री बार 7वीं शताब्दी में बंगाल के राजा शशांक ने नष्ट कर दिया। शशांक बौद्ध धर्म के सबसे कुख्यात शत्रुओं में से एक था। एक बार फिर से जली हुई पेड़ हरी पत्तियों से लहला उठी। ये नया पेड़ 1200 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा। यही पेड़ सन 1861 में प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद सर अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा खोज निकाला गया। पेड़ बहुत खराब हालत में था और यह कुछ ही सालों में एक भीषण तूफान के दौरान नष्ट हो गया। सन 1876 में बोधि वृक्ष को मृत घोषित कर दिया गया। इस बार एक नया पौधा श्रीलंका से लाकर लगाया गया। यह पौधा श्रीलंका के अनुराधापुरा में स्थित बोधि वृक्ष से प्राप्त किया गया था। यह बोधि वृक्ष का पांचवा अवतार है और वर्तमान में महाबोधि मंदिर के पश्चिमी भाग में मौजूद है। जब श्रीलंका के राजा देवनम्पिया तिस्सा के अनुरोध पर सम्राट अशोक के पुत्र राजकुमार महेंद्र और उनकी बहन संगमित्रा ने धम्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका की यात्रा की तो वो अपने साथ महाबोधि वृक्ष की एक शाखा भी ले गए जिसे श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरा में लगाया गया। यह पेड़ अभी भी श्रीलंका में मौजूद है और दुनिया के सबसे पुराने जीवित पेड़ों में से एक है। बोधगया में बोधि वृक्ष पूजा का मूल केंद्र था। बाद में इसके चारों ओर एक मंदिर बनाया गया जिसे वृक्ष चैत्य कहा जाता था। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इस स्थान पर एक बड़ा मंदिर बनवाया था जिसे अब महाबोधि मंदिर के रूप में जाना जाता है। बोधगया में महाबोधि वृक्ष आज भी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है।